लायक सजावार है। बाद नौबत आती है अर्रहमान और अर्रहीम की। जाहिर बात है कि इसके हवाले से हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बयान कर दिया है। बस इशारतन ये कि अर्रहमान खुदावंद आलम के औसाफ में से है, यानी खुदा की रहमानियत हर एक के शामिल हाल है। दुनिया में जो उसे मानता है उसे भी वो अता करता है, जो नहीं मानता उसे भी अता करता है। उसकी नेमतें सब के लिए आम हैं, यानी जहाँ तक दुनिया की नेमतों का ताल्लुक है वो हर एक को खुदा बंदे आलम देता है, चाहे वो मोमिन हो चाहे मुनाफिक। और रहीम से मुराद वो नेमत जो सिर्फ और सिर्फ नेक और सालेह लोगों से महसूस है, यानी दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी के मुकाबले में आखिरत की हमेशगी की नेमतों को जो खुदा मुझे आलम अता करता है वो उसके रहीम होने का तकाज़ा है। यानी ये रहीम जो सिफत है महसूस है मोमिनीन के लिए, बंदगान सालेह के लिए। अगले मरहले में आप पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन। मालिक खड़े खबर के साथ भी आप तिलावत कर सकते हैं और मलिक यौमिद्दीन भी, यानी सिर्फ ज़बर के साथ भी आप तिलावत कर सकते हैं। दोनों क़िराअत जायज़ है, नमाज में कोई खलल वाक़ नहीं होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान को खुदावंद आलम ने पैदा किया है, उसके बाद हज़ारों नेमतें अता की हैं दुनिया में और आखिरत में भी। उसने सालेह बंदों को जज़ा देने का वादा किया है और गुनाहगारों को उनके किए की सज़ा मिलेगी। तो खुदावंद आलम इस आयत में इरशाद फरमा रहा है मालिक यौमिद्दीन, यानी वो खुदा जो रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के बाद आज़ाद भी छोड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अल्लाह ने रास्ते बयान कर दिए, दोनों रास्तों को बता दिया, गलत रास्ते को भी सही रास्ते को भी, और ये इख्तियार दिया है, ये मेरे अहकाम है, अमल करना और ना करना ये तुम्हारा इख्तियार है। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ज़बरदस्ती नहीं है जब तक दुनिया का मामला है। लिहाजा खुदावंद आलम देखें कितने ऐसे अफराद जो नमाज को दूर की बात खुद खुदा का इनकार कर देते हैं फिर भी वो देता है। दुनिया में आज़ाद अल्लाह ने छोड़ा है लेकिन आखिरत में उसका हिसाब लेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये है कि अवलन तो खुदा को ज़बरदस्ती की इबादत पसंद नहीं है। इंसान अपने इख्तियार और अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की इबादत करे, ये इसी में इंसान का कमाल है और यही खुदा को पसंद है। तो बहरहाल कोई नमाज नहीं पढ़ता या कोई नमाज का इनकार भी कर देता है, कोई खुदा का भी इनकार कर देता है, तभी दुनिया में वो आज़ाद है। जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कुफार मुशरिक हैं लेकिन अल्लाह ने बहुत सारी नियमतें उन्हें दी हुई हैं। क्यों? इसलिए कि ये खुदा के रहमान होने का तकाज़ा है और उनको दुनिया ही तक महदूद कर दिया जाएगा। लैसा लहुम फिल आखिरति नसीबुन, उनके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। हालांकि बहरहाल नमाज को ना पढ़ना उसके आसर और बरकात में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, एक मुसलमान के लिए उसका नुकसान ज़रूर है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं कि आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो हमने आज तुम्हारी रोज़ी को बंद कर दिया। कभी ऐसा देखा
इंसान महीने महीने मस्जिद की तरफ नहीं देखता, लेकिन फिर भी खुदावंद आलम उसकी रोजी में कमी नहीं करता है, उसे सूरज की रोशनी से इस्तेफादा करने का पूरा हक देता है खुदावंद आलम। हालांकि मैंने इशारा किया कि उसकी मानवी बरकतों पर जरूर असर होता है। बहरहाल मुख्तलिफ बहानों से इंसान नमाज नहीं पढ़ता, चाहे अब उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन खुदा बंदे आलम फिर भी उसके ऊपर लुत्फ़ो करम करता है। देखिए बाज़ वक्त इंसान के लिए एक बहाना भी होता है। मिसाल के तौर पर हम क्या करें, वहाँ कंपनी में जाते हैं, वहाँ फैक्ट्री में जाते हैं, अगर हमने नमाज पढ़ी तो हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ बुरा सलूक किया जाएगा। बहरहाल वो जाने उसका, खुदा जाने, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने नमाज में सिवाय बरकत के कुछ और नहीं रखा है, ये इंसान को पूरा यकीन होना चाहिए। एक छोटी सी दास्तान मिलती है कि एक नॉन मुस्लिम के यहाँ कुछ मुसलमान काम कर रहे थे, मजदूर थे। तो ये मुसलमान रोज़ाना हर नमाज के मौके पर थोड़ी देर के लिए काम को रोक देते थे, नमाज में मशगूल हो जाते। तो उस नॉन मुस्लिम ने ये ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी नमाज पढ़ेगा तो हम उसका पैसा काट लेंगे। तो अब अक्सर सब के सब नमाज को उन्होंने तर्क कर दिया कि अब ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारा इख्तियार है ही नहीं, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा पैसा कट हो जाएगा। लेकिन एक मर्द मोमिन जो वाकई अल्लाह के लिए इबादत अंजाम देता था, मुश्किल ये है कि बहुत सारे लोग आदत समझकर नमाज पढ़ते हैं, है ना, बहुत कम ही इबादत समझकर नमाज पढ़ते हैं। तो उसने कहा ठीक है, अल्लाह में इतनी नेमतें दे रहा है, वो आधे घंटे का एक घंटे का पैसा काट भी दिया तो उसने क्या हो जाएगा, मसलन 500 रुपये में से 50 रुपये वो काट भी लेगा तब भी क्या, खुदा ने इतना सब कुछ दिया है तो हम खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो सब ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन उस एक आदमी ने नमाज पढ़ी। और जब पूरे हफ्ते के बाद पैसा देने की बारी आई तो जो नॉन मुस्लिम ओनर था उसने सबके पैसे काटे, लेकिन जिसने नमाज पढ़ी उसे पूरा पैसा दिया। सब ने जो है एतराज़ किया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने खुद ही कहा था कि जो नमाज पढ़ेगा टाइम उसमें से घट जाता है, हम उसका पैसा काटेंगे, उसने नमाज पढ़ी है, हम लोगों ने किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। तो उसने कहा मेरा ये दर हकीकत तुम्हारे लिए टेस्ट था, इम्तिहान था, कि मैं आजमाना चाहता था, अब तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ा, उसने नमाज पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि जो आदमी खुदा के साथ खयानत नहीं करता वो बंदे के साथ भी खयानत नहीं करता, लिहाजा मैं उसे एक्स्ट्रा बहरहाल पैसा दे रहा हूँ। तो बहरहाल इंसान के लिए ये यकीन ज़रूरी है कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये मालिक यौमिद्दीन क्यों कहा जा रहा है, माँ रोज़े जज़ा का मालिक, हर लम्हा खुदा का है, लम्हा लम्हे का मालिक खुदा है, हर दिन का तो दूर की बात, हर एक सेकेंड का मालिक खुदा है, फिर क्यों महसूस किया जा रहा है रोज़े जज़ा का मालिक है। तो उसकी एक वजह जो उलमा ने बयान किया है वो ये कि दुनिया में अल्लाह सबको इख्तियार देता है और आखिरत में सबका हिसाब लेता है, और अदल का तकाजा भी यही है कि एक दिन मुअय्यन किया जाए। इससे बेहतर मैं मिसाल के ज़रिए से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, खुदा बंद आलम आदिल है, और दुनिया में आप देखते हैं कि इंसान चाहे जितनी भी बड़ी अदालत को अपना ले वो ना किसी का पूरे तरीके से हक अदा कर सकता है और ना ही किसी को पूरे तरीके से सज़ा दे सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 100 लोगों का कत्ल किया तो हम बदले में क्या है, 100 तो उसके नफ्स नहीं है कि 100 लोगों का बदला दिया जाए, उसने 100 लोगों को भी कत्ल किया है, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का कोर्ट और दुनिया की अदालत क्या कर सकती है,
एक ही जान उसकी ले सकती है कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा। तो फिर ये अदालत कहाँ हुई? खुदावंद आलम कुरान में कह रहा है कि एक नफ्स के बदले एक नफ्स, सही। अब उसने 100 लोगों को कत्ल किया, 1000 लोगों को, किसी ने 1 लाख लोगों को कत्ल किया है, तो अब उनकी सजा बदले में एक तो नहीं है। हाँ, तो फिर किसी एक दिन का होना जरूरी था जो सबका बदला ले सके। तो खुदावंद आलम ने एक दिन को मुअय्यन रखा रोजे जजा के एतबार से। तो ये इख्तियार सिर्फ खुदा ही को है, लिहाजा कयामत में जब इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो हर एक का बदला, हर नाहक का बदला खुदावंद आलम जरूर लेगा। एक इंसान को मारेगा, फिर उसे जिंदा करेगा, फिर उसे अजियत पहुंचाएगा ताकि उसे एहसास हो। दूसरा, बहरहाल अजर व सवाब भी इंसान पूरा नहीं दे सकता। दुनिया में जब तक है, जितना भी भले काम उसने किया हो, उसका पूरा हक अदा नहीं कर सकता। तो फिर कोई दिन होना चाहिए जिसमें इंसान को उसका हक मिले, तो उसी का नाम रोजे जजा है। तो यानी वो दिन के जिस दिन इंसान का हिसाब किताब होगा, और जिसने नेकी की है उसे इनाम मिलेगा, और जिसने बुराई की है उसे सजा मिलेगी। तो मालिक यौमिद्दीन दर हकीकत वो दिन के जिसमें इंसानों को अपना हक मिलेगा और बुरे इंसानों को उनके किए की सजा मिलेगी। तो बार बार नमाज पढ़ता है बंदा, तो ये कहकर नमाज पढ़ता है कि मैं जानता हूँ कि परवरदिगार ही नेकुकारों को वाकई अजर व सवाब दे सकता है और गुनाहगारों को उनके किए की सजा दे सकता है। तो मालिक यौमिद्दीन यानी इंसान ये आवाज देता है, दुनिया के सामने ये चैलेंज करता है कि मैं इसलिए खुदा की इबादत करता हूँ कि वही है जो सवाब व इकाब का इख्तियार रखता है, सही। तो खुदा की अदल पर या खुदा के अदल का जो दुनिया में लोग हैं उनको जवाब देने के लिए इंसान नमाज पढ़ता है, और पूरे इत्मीनान के साथ, यकीन के साथ उसे नमाज अदा भी करना चाहिए। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है, खुदावंद आलम हम सब को वाकई मानों में नमाज के मफाहिम को समझकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अनिल हम्द।